मध्य प्रदेश में जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, लेकिन इस चुनाव में खास बात यह रही कि कई जगहों पर बीजेपी के नेताओं में आपस में ही ठन गई, जिससे इन चुनावों में कई जिलों में बीजेपी वर्सेस बीजेपी का चुनाव हो गया। कांग्रेस मुक्त करते करते बीजेपी के नेता आपस में ही टकराव की स्थिति में पहुंच गए हैं। रीवा, ग्वालियर, धार समेत कई जिलों में बीजेपी के नेताओं में ही आपस में चुनाव हुआ। बीजेपी में खड़ी हुई इस वर्चस्व की लड़ाई का असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ने की संभावना जताई जा रही है। रीवा में बीजेपी के विधायकों दिव्यराज सिंह और केपी त्रिपाठी में जनपद के चुनाव में झूमाझटकी हुई। बड़वानी में मंत्री प्रेम सिंह पटेल और पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य में ठनी। डबरा में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पूर्व मंत्री इमरती देवी आमने सामने आए। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर गुटों में टकराव हुआ। धार में बीजेपी की रेलम चौहान ने बीजेपी सांसद की पत्नी हेमलता को जनपद अध्यक्ष के चुनाव में हराया। टीकमगढ़ में विधायक राकेश गिरी और भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी में टकराव। भिंड में मंत्री अरविंद भदौरिया और पूर्व विधायक नरेंद्र कुशवाहा में विवाद। नहीं, कहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से पंचायत का चुनाव लड़ा है। कई जगह ऐसी स्थिति बनती है कि दो कार्यकर्ता सक्षम है तो उनको लगता है कि मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन पार्टी फोरम पर जब बात आती है तो विषय समाप्त हो जाता है। पार्टी जिसको तय करती है वो अध्यक्ष चुना जाता है। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के आपस में ही टकराव से खुश नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है ये तो शुरुआत है, असली नजारा 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि दबिश डाल रही है लोगों के ऊपर, जिस तरह से प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, तो लोग आमने सामने हो रहे हैं। जब दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं तो आप खींचेतानी क्यों कर रहे हैं? आप झूमा झटकी क्यों कर रहे हैं? आप पुलिस का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? ये सवाल खड़ा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी में जो है एक वर्टिकल डिवीजन है कि जहाँ पर जो है ये सौदे के जो लोग हैं वो सामने खड़े हुए हैं और एक मूल भाजपा खड़ी हुई है। आज कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पर जो हो रहा है वो सारा सर्वविदित है। एक जो है पूरे गिरोहों ने कब्जा कर लिया है और उसकी जो परिस्थिति का निर्माण जो हो रहा है वो उसके कारण बहुत सारी जगह पर आमने सामने हैं। बहुत सारी जगह पर आप देखें जो नेताओं के बयान हैं वह संतोष से भरे हुए हैं। सारी लोगों को ये लगता है कि जो जिन सिद्धांतों की दावा करते थे, हल्ला मचाते थे, उस पार्टी पर जो है सौदागरों ने कब्जा कर लिया। बीजेपी के नेताओं में अपने समर्थकों को गांव की सरकार की कमान दिलाने की होड़ लगी थी, जिसकी वजह से कई स्थानों पर विवाद की स्थिति बनी। बीजेपी संगठन भी कई मामलों में मुक बना हुआ है, जिसकी वजह से विवाद और गहरा रहा है। मध्य प्रदेश में गांव सरकार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कई स्थानों पर जीत दर्ज कर ली, लेकिन इससे भाजपा के ही नेता एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। रीवा में तो भाजपा के दो विधायकों में आपस में मारपीट की स्थिति बन गई। यहीं देखा जाए तो ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया आमने सामने हो गए। डबरा में नरोत्तम मिश्रा और इमरती देवी आमने सामने हो गए। बड़वानी में मंत्री प्रेम सिंह पटेल और पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य में ठन गई है। स्वाभाविक रूप से भाजपा ने जीत तो दर्ज कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा नेताओं की आपसी तकरार का असर देखा जा सकता है और इसीलिए अब भाजपा के लिए अपने नेताओं को एक करना बड़ी चुनौती है। वीडियो सभा के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।